in his cock, mask on my face, hesitate to give me some, I'ma catch up. बैक टू बैक मैं अनदर ब्लॉग, आप लोगों ने पिछले वाले ब्लॉग में देखा था अपने कर्मा में एक इशू आ रहा था बार बार ऑयल प्रेशर लो, तो आज हम लोग लेकर जाएंगे कुछ गैस सर्विस सेंटर दिखाने के लिए किस कारण से आ रहे हैं और किस वजह से आ रहे हैं। तो चलो फिर गाइस ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, आप निकलते देख सकते हो बिल्कुल ही कर्मा रेडी जाने के लिए, इसलिए बहुत दिनों से ये भी बस लॉन्ग राइड पर जाने वाले हम लोग कुछ दिनों के अंदर ही अंदर, तो इसको दिखाना पड़ेगा नहीं तो ये दिक्कत हो जाएगा गाइस। चलते हैं फिर यहाँ से, निकलते हैं फटाक से घर से। चलो फिर गाइस ब्लॉग के साथ बने रहना, बिल्कुल ही मज़ा आने वाला है। राइड पे चल रहे हैं फिर दोबारा कुछ भी आ जाएंगे सर्विस सेंटर, वहाँ पर किस वजह से क्या इशू है सब पता चल जाएगा गाइस। चलो फिर निकलते हैं यहाँ से घर से पहले, तो गाइस गो टू रेस, तो निकल रहे हैं हम लोग अभी। चलो फिर बिल्कुल ही मस्ती होने वाला, जाएंगे अभी सर्विस सेंटर। तो मैं अकेले जा रहा हूँ गाइस, कोई साथ नहीं जा रहा, दोस्तों को बुलाया तो बोल रहा काम है, बहाने मार रहे हैं। चलो कोई नहीं, हमें तो दिखाना पड़ेगा कर्मा को, देख सकते हो गाइस रास्ता कितना ख़राब हो रखा है। बिल्कुल ही ख़राब हो रखा है रास्ता गाइस, जब से ही बता रहा था कि अपने घर का रास्ता बिल्कुल ही ख़राब हो रखा है अभी फिलहाल, तो देखते हैं बक्की दोस्त जाएगा या नहीं जाएगा, उसको बोला था कहानी वो क्या करता है, पत्ती हो रहा इसके घर जाएंगे अभी फिलहाल, जो देख सकते हो बिल्कुल कीचड़ कीचड़ हो रहा। तो गाइस फाइनली हमारा दोस्त बप्पी जा रहा है मेरे साथ, तो बप्पी की वजह से लेट हो गया गाइस, चल रहे फिर चलो अभी हमें जाना पड़ेगा कुछ भी यार, इसलिए इसको दिखाना ही पड़ेगा, तो अभी फ़िलहाल दिखा नहीं रहा ये इशू जो आ रहा था, तो अभी दिखा नहीं रहा, कोई नहीं चल रहे। ये देखो सलमान खान, ये हमारे यहाँ का सलमान खान है। तो गाइस रास्ता देख लिया था कितना कीचड़ कीचड़ रखा है बिल्कुल ही, और व्यू देख सकते हो यहाँ का चारों तरफ का धान लगा रखा है, क्या मस्त व्यू आ रहा है गाइस, चारों तरफ धान ही धान लगा रखा है बिल्कुल ही मस्त व्यू देख सकते हो, बिल्कुल ही हरियाली हरियाली, क्या मस्त व्यू आ रहा है बिल्कुल ही क्रेज। चलो फिर सर्वर गाइस सिस्टम। सो गाइस फाइनली हम लोग कुछ बिहार एंटर कर चुके हैं, तभी हम लोग जाएंगे सर्विस सेंटर कुछ बिहार के, जो आप लोगों को बता रहा था मैं, देख सकते हो तो क्या भीड़ हो रखा है इस टाइम पे, बिल्कुल ही भीड़ मतलब बोलो मत, तो इशू बार बार दिखाई रहा है, कभी हट रहा है कभी दिखा रहा है, कभी हट रहा है कभी दिखा रहा है, तो अभी थोड़ी देर के अंदर ही वापस दिखाने वाला है इशू गाइस। चलो फिर ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, इसलिए वैसे ही लेट हो गए हम लोग आज, वैसे बहुत लेट निकल गया, इसलिए घर पर काम कर रहा था गाइस, इसी चक्कर में मेरा लेट हो गया घर से निकलना। ओ भाई देख के भाई, इतना भीड़ गाइस बोलो मत, अभी एक हमारा दोस्त गया गाइस, तो उससे भी बात बात की है, थोड़ा सी चक्कर में गाइस और थोड़ा लेट हो गए, पहले तो उसको भगाते अपने कर्मा को बिल्कुल ही मत, इसलिए जहाँ रोड खाली मिली वहीं भगाओ, वैसे ही लेट होना भीड़ देख सकते हो। अभी फ़िलहाल हम लोग अंदर आ चुके हैं, तो अभी सर्विस सेंटर यहाँ से थोड़ा 15-20 मिनट लगेगा हमें जाने में, 15-20 मिनट के अंदर अंदर हम लोग सर्विस सेंटर पहुँच जाएंगे गुजरात के KTM के अपने, तो स्कूल बस है ये मिनी स्कूल बस। ओ भाई साइड दे दे यार, देखो क्या बता तो ना, मैं तो तभी आते हैं देखो बच्चे को, अरे कैसे चलाते हैं यार, कभी देखो तो मतलब इतना जाम बोलो मत, बिल्कुल ही जाम हो रखा है, मैं खुद नहीं पता अभी कर्मा के साथ ये क्या हो रखा है, क्या इशू हो रखा है कर्मा का। तो गाइस बिल्कुल ही मस्ती के साथ क्या ये देख सकते हो, तो भाई दोबारा से टूटा कोई ना, ये क्या वो खतरनाक काम नहीं है अपना सर्विस सेंटर, तो आ चुके हैं हम लोग KTM के सर्विस सेंटर का, इस टाइम में मिलने वाला है हमें, बस और 2-3 मिनट लगेंगे जाने में, क्या व्यू है यहाँ का बिल्कुल ही खतरनाक व्यू आ रहा है, जब दो साउंड का है अपने कर्मा का,
ओ भाई, ओ अंकल जी, क्या कैसे जाओ अंकल जी, ऐसा कैसे देख के चलो। बस आ गए हम लोग, कोई ना चलो काम लीजिए बोल रहे चलो। तो गाइस यही है सामने अपना KTM का सर्विस सेंटर, शोरूम और सर्विस सेंटर साथ में है गाइस। तो पहले देखते हैं, चलो पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पर सर्विस सेंटर में, कभी आया नहीं था गाइस। ये रहा सर्विस KTM शोरूम, तो यहीं पर ही है गाइस सर्विस सेंटर पीछे के साइड। तो पूछना पड़ेगा गाइस सर्विस होगा या नहीं होगा गाइस। तो ये रहा सर्विस सेंटर, यहीं पर ही सर्विस करवाएंगे। सर्विस होगा ना? तो गाइस फाइनली हम लोग सर्विस सेंटर आ चुके हैं। तो देख सकते हो ये रहा अपना कर्मा यहाँ पर है, तो अभी इसको लेकर आएंगे ऊपर। तो अंदर का भी देख सकते हो, ये रहा बप्पी हमारा दोस्त आ रखा है बैठा हुआ ही। तो और एक सर्विस में बता नहीं किसका लगा हुआ है, इसको सर्विस करेंगे उसके बाद अपना वाला या उससे। तो गाइस अभी कर्मा ऊपर आने वाला है, इसको अभी सर्विसिंग करेंगे बिल्कुल ही मस्त चकाचक। कर्मा बिल्कुल ही ऊपर भाई चढ़ा रहे इसे अभी, तो यहीं पर ही सर्विस होने वाला। देख सकते हो गाइस बिल्कुल ही आवाज़ कैसा गूंज रहा है अपना, कर्मा आते के साथ एंट्री होते के साथ क्या मस्त बिल्कुल ही सर्विसिंग होने वाला है। तो इसका जो इशू था गाइस, वो भाई ने बता दिया कि जो इसका जो मोबिल रहता है, मतलब जो गियर का इंजन का जो ऑयल रहता है यहाँ पे, इसके अंदर जो ऑयल रहता है उसी के चक्कर में गाइस वो इशू आ रहा था। देखो दोनों यहाँ पर हैं, ये 250 है गाइस, नहीं गाइस ये 200 है, और ये अपना कर्मा बिल्कुल ही। तो इसे अभी बिल्कुल ही खोलने वाले हैं, क्या क्या इशू है सब ठीक हो जाएगा आज। कोई नहीं, फिर हम लोग दोबारा से राइड पे निकल जाएंगे गाइस। तो जब इसे खोलते और देखो क्या क्या करते इसके साथ, तब तक हम यहीं पर बैठ के इसका वेट करते हैं ठीक होने का बिल्कुल ही मस्त। तो देख लो फाइनली गाइस हमारा सब कुछ खुल चुका है, तो इसका सामान भी आ चुका है कर्मा का, तो ये सब कुछ डलेगा इसके अंदर। ऐसी है मोटर का, कितना लीटर का ये बहुत महंगा है गाइस, तो ये भी डलने वाला है 1.7 लीटर। तो यही सब कुछ सामान आ चुका है, तो कर्मा बिल्कुल ही चकाचक होने वाला है बिल्कुल ही ठीक। और उसके बाद चलेंगे फिर से राइड पे बिल्कुल ही मस्ती के साथ। और अभी ठीक कर रही है भाई, तो इसका इशू जो दिखा रहा था ऑयल प्रेशर लो, वो भी गाइस ठीक हो जाएगा अभी। अंदर कौन सा अभी KTM आ रखा है बिल्कुल मस्त से मस्त, देखते हैं अंदर जाकर। अभी जाने वाले हैं, तब तक इसको ठीक करते हैं, यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे। तो अभी इसको कुछ रगड़ रहे हैं, जो ब्रेक शू है उसको घिस रहे हैं, बिल्कुल ही चकाचक कर रहे हैं, बिल्कुल ही चकाचक होने वाला है आज अपना कर्मा। गाइस कुछ क्या क्या सामान डल रहे देख सकते हो बिल्कुल ही। दादा पेट्रोल फिल्टर डल रहा है अभी गाइस इसके अंदर, तो सब कुछ डलेगा उसी के बाद कर्मा बिल्कुल ही रेडी हो जाएगा राइड के लिए। तो वेट करेंगे जब तक रेडी नहीं होता, तो देख सकते हो बिल्कुल ही मस्त रेडी होने वाला है। तो अभी तेल निकाल रहे हैं कर्मा में से, कर्मा के अंदर से अभी तेल निकल रहा है बिल्कुल ही ऑयल, क्या करें दिक्कत, कोई नहीं बस। दोबारा से सब कुछ लगा रहे हैं इसे, तो अभी थोड़ा थोड़ा करके ठीक हो रहा है कर्मा हमारा जो है, थोड़ा थोड़ा करके ठीक हो रहा है अभी। तो देख सकते हो क्या मस्त बिल्कुल ही चकाचक होने वाला है दोबारा से। तो गाइस हमारा कर्मा बिल्कुल ही रेडी बिल्कुल ही ठीक हो चुका है, तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से। तो अभी निकलने से पहले अंदर जाएंगे गाइस, तो देखते हैं कौन सा भी बाइक आ रखा है यहाँ पर, फिर
आइसक्रीम का। चलो फिर अंदर चलते हैं, देखते ही है शोरूम, सामने शोरूम है और पीछे सर्विस सेंटर। तो कर्मा बिल्कुल रेडी, तो अंदर जाएंगे अभी देखते हैं। तो गाइस देख सकते हो आप लोग, एक से मॉडल खड़े हैं यहाँ पर। क्या व्यू गाइस, आरसी है 200, तो 390 का आरसी नहीं है गाइस यहाँ पर। तो इधर एक है, तो ये कौन सा है अपना, 125 आरसी है, तो 250 देख सकते हो, बिल्कुल ही खतरनाक। तो इसके साथ एक सेल्फी खिंचवाएंगे यहाँ पर गाइस। ये रहा अपना बप्पी दोस्त, देख रहा है ये 125 का है गाइस, 125 है ये। क्या मस्त लुक लग रहा है, बिल्कुल ही क्रेजी लुक गाइस, बिल्कुल ही क्रेजी लुक भाई। क्या है ये, तोड़ना चाह रहा है इसे बिल्कुल। देखो आरसी, क्या मस्त खतरनाक लुक पे, बस सामने का चेंज हो, बिल्कुल बिल्कुल ही खतरनाक लगता है। तो चलो अभी तो अंदर जाएंगे वहाँ पर, जो अपना बाइक जहाँ पर सर्विस चल रहा है बिल्कुल ही मस्त। तो गाइस हम लोग ने देख लिया था अंदर जाकर, बहुत सारे स्टॉक आ रखे हैं जेटीएम के, बिल्कुल ही मस्त अपने कुछ भी शोरूम में। तो अपना कर्मा भी बिल्कुल ही रेडी, तो हम भी यहाँ से अभी निकलने वाले हैं कर्मा को लेकर घर के लिए। इसलिए हम बाहर का व्यू देख सकते हो, बिल्कुल ही खतरनाक व्यू आ रहा है, बिल्कुल ही मस्त। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, निकल के जाएंगे। और इसका जो ब्रेक लीवर है, जो ब्रेक लीवर भी देखेंगे। चलो फिर यहाँ से निकलेंगे अभी, तो पेमेंट करते के साथ यहाँ से निकल जाएंगे हम लोग। तो गाइस हमारा फाइनली सर्विस हो चुका है, तो इसका बिल्कुल ही चकाचक हो चुका है। तो जो इशू आ रहा था गाइस वो भी हट चुका है। तो कर्मा यार रेडी, बप्पी भी हमारा दोस्त रेडी, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं गाइस। तो इसका जो ब्रेक लीवर है वो देख के अगर मिलता है तो लगाने के बाद, उसके बाद हम लोग घर चलेंगे गाइस। चलो फिर चलते हैं, ये रहा सर्विस सेंटर KTM का। चलो फिर, तो गाइस हम लोग सर्विस सेंटर से फाइनली निकल के आ चुके हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे जो उसका ब्रेक लीवर है, ब्रेक लीवर देखने के लिए। तो एक भाई है यहाँ पर तो लगाता है, तो सर्विस सेंटर में KTM के नहीं था, तो अभी जाएंगे वहाँ पर, वहाँ से देखते हैं, वहाँ से अगर मिल जाता है तो लगा के निकलेंगे उसके लिए घर के लिए। इसलिए अभी गाइस रात हो चुका है, बिल्कुल ही अंधेरा, तो कोई नहीं है। चलो फिर मस्ती भगाते हैं। तो अभी फ़िलहाल वो इशू नहीं आ रहा गाइस, ठीक हो चुका है। तो मतलब जो इसका इंजन ऑयल था, तो इंजन ऑयल कम होने के कारण से वो दिखाता है, और अगर वो ठीक नहीं करवाते हो तो आपका जो इंजन है गाइस, तो इंजन सीज होने का ज़्यादातर चांस रहता है। तो कोई नहीं, चलो फिर। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं ये रहा इस भाई की दुकान पे, तो यहीं पर ही हमें मिलेगा ब्रेक लीवर। तो ब्रेक लीवर लगाएंगे, उसके बाद घर निकलेंगे गाइस। तो गाइस हम लोग कुछ भी आज निकल के आ चुके थे, इसलिए हमारा जो ब्रेक लीवर था उस दुकान पे गए थे, भाई की दुकान पे मिला नहीं गाइस। तो अभी मैं फिलहाल घर पे हूँ और ब्लॉग को ऐड कर नहीं पाया कुछ भी यार में, इसलिए अभी घर में से मेरा कॉल आया था जल्दी आने के लिए, तो घर में जल्दी आ चुका था गाइस। तो देख सकते हो बाहर कितना अंधेरा और काया भी। तो आप लोगों से मिलते दोबारा से और एक न्यू ब्लॉग में, और जो चैनल में नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो अपना जो कर्मा का जो सब कुछ था वो सब ठीक हो चुका है, तो कैसा लगा कमेंट करके भी बताना। और चलो फिर आप लोगों से मिलते बिल्कुल ही और एक नए ब्लॉग में, बिल्कुल ही क्रेज के साथ फुल मस्ती गाइस।